हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाएंगे वनीला चॉकलेट आइसक्रीम। और ये बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। और ये घर के ही सामान से आप बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने ना चॉकलेट कंपाउंड का इस्तेमाल किया है और ना ही कोको पाउडर का, और ये बहुत ही बढ़िया बन जाती है। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप के लगभग मिल्क लिया है, ये लगभग आधा लीटर होगा। तो इसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे और इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें थोड़ा सा हम जो गुनगुना वाला दूध है वो थोड़ा सा इसमें डालकर और एक घोल तैयार करेंगे, जिससे कि इसमें लम्प्स नहीं आएंगे। और हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा जो हमारा घोल है वो हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे। इस तरह से बनाएंगे तो ये लम्प्स फ्री और बहुत ही बढ़िया इसका टेक्चर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। तो अब इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। इसके बाद हमने 1 बाउल चीनी ऐड की है। चीनी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गया है। और इसके बाद हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो 2 चम्मच हम मिल्क पाउडर लेंगे और उसे हम थोड़ा सा मिल्क के साथ घोल कर तैयार करेंगे। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, यदि आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसे हम डालेंगे तो इससे बहुत ही बढ़िया टेक्चर आएगा और बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। एकदम क्रीमी सी हमारी आइसक्रीम बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने वेनिला आइसक्रीम तैयार कर ली है और इसे हम एक बार मिक्सी में चला लेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेक्चर आएगा। और जो हम घर पे ही दूध से मलाई निकालते हैं वो वाली हमने 2 चम्मच मलाई ली है। और मलाई ज़्यादा दिन की ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसे ऐड कर देंगे और चला लेंगे। और इसका टेक्चर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एकदम क्रीमी आया है। और यहाँ पर हमारी वेनिला आइसक्रीम बन के तैयार है। अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर थोड़ा सा सेट होने तक इसे फ्रिज में जमा लेंगे। इसके बाद हम इसे एक बार और मिक्सी में चलाएंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही बढ़िया एकदम मार्केट जैसी हमारी वेनिला आइसक्रीम बनके तैयार होगी। और यदि आप एक बार ही चलाना चाहते हैं तो भी आप इससे आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने वेनिला आइसक्रीम से ओरियो बिस्किट आइसक्रीम शेयर की है, तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इससे आइसक्रीम बनती है। इसके बाद हम इसमें 2 ड्रॉप्स के लगभग वेनिला एसेंस इसमें ऐड करेंगे। वेनिला एसेंस सुपरमार्केट या फिर ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। और इसके बाद हम इसे चॉकलेट आइसक्रीम चोकोबार तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो हमारी चॉकलेट स्प्रेड आती है डॉक्टर ऑर्थो की, तो वो वाली हमने ली है। तो इसे हम थोड़ा सा गुनगुना दूध लिया है 2 से 3 चम्मच, उसमें अच्छे से घोलकर तैयार करेंगे। और हम बिना यहाँ पर चॉकलेट कंपाउंड और बिना कोको पाउडर के हम चोकोबार तैयार करेंगे, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो घर में इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। और चॉकलेट स्प्रेड तो हमेशा हमारे घर में रहती ही है। तो इस तरह का हमने एक कुल्फी मोल्ड लिया है। तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से इसे लगा देंगे। तो जो हमने यहाँ पर घोल तैयार किया था वो इस तरह से लगा देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये सेट हो जाएगा। इसके बाद हमने इसमें जो वनीला आइसक्रीम थी वो इसमें फिल करना है। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी इसमें जगह भी हमें छोड़ना है ताकि हम इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा दें। इसके बाद हमने 2 कांच के गिलास लिए हैं, इसमें भी हमने इसी तरह से इसमें सेट कर दी है। और इससे हम आइसक्रीम बना सकते हैं। यदि भी आपके पास कांच के गिलास नहीं है तो आपके पास जो पेपर कप आते हैं आप उसमें भी आइसक्रीम बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें फॉइल पेपर लगा देंगे ताकि इसमें बर्फ़ ना जमे। और इसके बाद हम इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे ताकि एकदम मार्केट जैसी ये देखने में लगे और खाने में बहुत ही बढ़िया बनती है। तो इस तरह से जो हमने इसे फ्रिज में रख दिया था और थोड़ी देर बाद हम इसमें फॉइल लगाएंगे और इसके बाद इसमें भी हम आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखकर आप स्टिक लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। और यदि आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो घर में पॉलीथीन वगैरह रहती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर 7 से 8 घंटे के लिए हमने इसे फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छे से जम गई है। अब हम अपनी आइसक्रीम निकाल लेंगे। तो ये ऐसे नहीं निकल रही है, तो हम थोड़ा सा एक बाउल में पानी लेंगे नॉर्मल वाला और उसमें रखकर थोड़ी इस तरह से हाथ से टैप करेंगे और बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया ये हमारी आइसक्रीम निकल कर आ जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया घर में आइसक्रीम तैयार हो गई है और इसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप इस तरह से बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर जो कुल्फ़ी मोल्ड में आइसक्रीम जमाई थी वो भी निकाल लेंगे। तो ये भी बहुत ही बढ़िया बनी है। तो आप दोनों ही तरह से आइसक्रीम बना सकते हैं। तो इसे भी हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से पानी में रखेंगे, फिर ये आसानी से निकल आएगी। अब हमें इस तरह से निकाल लेंगे और डायरेक्ट हमें इसे नहीं निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आइसक्रीम बनके तैयार हुई है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो इस तरह से आप एक बार जरूर ट्राई करें। और यदि आप चॉकोबार आइसक्रीम की रेसिपी देखना चाहते हैं चॉकलेट कंपाउंड से, तो हमारे चैनल पर आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम एक बार आपके लिए ये वाली आइसक्रीम भी बनाकर जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये देखने में लग रही है। और अलग अलग तरह की आइसक्रीम आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और यदि आपको रेसिपी पसंद आती तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।